फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अक्सर हम कोई ना कोई बातें करते रहते हैं, हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की, हमारे जो लाइफस्टाइल के नियम हैं उनकी, और कई सारी हमारे पुराणों में बताई गई है मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बातें, जिनको ध्यान को सभी को रखना चाहिए। और नारद पुराण में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिनको महापाप माना जाता है, और इन कामों को करने से मनुष्य को निश्चित ही कई दुखों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग छुपा करके इन कामों को कर भी लेते हैं, छुप करके पूरी दुनिया से वो सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा। पर दोस्तों, शास्त्रों की माने तो ऐसे जो बुरे काम होते हैं वो लंबे समय तक छिपाए नहीं जा सकते हैं। आजकल के समय में चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितना भी छिपाने की कोशिश करे, देर हो सवेर हो, कभी ना कभी समाज वालों को इन कामों के बारे में पता चल ही जाता है। और जब ये काम घर परिवार वालों को, समाज वालों को, सभी को मालूम हो जाते हैं, तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को अपमानित होना पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सभी ग्रंथ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, गरुड़ पुराण हो, नारद पुराण हो, सभी में इन कामों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली चीज इंसान जो अक्सर करता है और वो है झूठ बोलना। बहुत आसान सी बात है, सुनने में लगता है झूठ बोलना, कभी कभी हमें सिखाया भी जाता है कि किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोलना पड़ा तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। सभी कोई जानते हैं कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं, और फिर दोस्तों कोई भी झूठ हो अधिक समय तक छिप नहीं सकता। महाभारत में कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान दिया था। लेकिन एक दिन जब परशुराम जी को ये सच्चाई मालूम हो गई कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उसके बाद परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया था कि कर्ण को जब इन अस्त्र शस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उसी समय वो इन्हें चलाना भूल जाएगा। इसी शाप के कारण कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के सामने इन शक्तियों को भूल गया था और अर्जुन के बाण से मारा गया था। इसलिए दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा, महाभारत युद्ध में दुर्योधन और मामा शकुनी के धोखे और कपट का परिणाम ही था ये पूरा महाभारत युद्ध, और कौरवों ने पांडवों के साथ कई बार कपट किया था। अंत में पांडवों के हाथ सभी कौरव मारे गए थे। भगवान भी कपटी लोगों की मदद नहीं करता, इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कपट से बचना चाहिए। आप सामने से किसी को दो बुरा भला कह ले एक अलग बात है, लड़ाई झगड़े कर ले एक अलग बात है, लेकिन पेट में कपट रख करके, किसी के लिए बुरी भावना मन में रख करके चलना आपको नहीं चाहिए। कपट भी लंबे समय तक छिप नहीं सकता, एक ना एक दिन सामने वाले को एहसास हो ही जाता है कि आप उसे धोखा दे रहे हैं, और दूसरों को धोखा देना महापाप कहलाता है। इस पाप की सजा अवश्य मिलती है, और जाने अनजाने ही सही, पर आपके काम धंधे, आपकी जो भी चीजें होती है, आप जो भी अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, उन सभी में आपको तकलीफ जरूर झेलनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, व्यभिचार करना। दोस्तों, आजकल का जो जमाना है, अनैतिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, शादी से पहले रिलेशन, इस तरह के अनैतिक संबंधों का बोलबाला हो चुका है, और सभी लोग इतनी आसानी से, इतनी स्मार्टली इन कामों को करने लगे हैं, छिपाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, ध्यान रखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन राज खुल ही जाता है, और इस काम के कारण कई दूसरे गलत भी होने लगते हैं। जो लोग समझने लगते कि ये स्त्री पुरुष दोनों गलत काम करते हैं, लोग इनको पकड़ नहीं पाते, ऐसे संबंधों के उदाहरण की वजह से कई और लोग इनको देखा देखी ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसे महापाप माना गया है, और व्यभिचार करना यानी कि किसी अनैतिक संबंध मनाने को दुनिया में सबसे बड़ा विश्वासघात माना गया है। किसी स्त्री के पास जब आप पहुंच पाते हैं, लेट्स सपोज आप एक
किसी फैमिली में जब जाते हैं तो उस घर के घर वाले आप पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उस तक आपको पहुंचने देते हैं। कौन है जो किसी अपरिचित व्यक्ति को या घर के मेंबर को बेधड़क होकर के अपने घर की स्त्री, अपने घर की गृहिणी, बहू बेटी के साथ अकेला छोड़ देता है। दोस्तों, इस अगर वो आपको अकेला छोड़कर जाते हैं, इसका मतलब है कि वो आप पर आंखें मूंद करके विश्वास करते हैं और आपको ऐसे घरों पर हमला नहीं करना चाहिए। पाप से डरना चाहिए, थोड़ा हया शर्म का ख्याल रखना चाहिए। पाप, घृणा, बदनामी और कलंक का क्यों आपको डर नहीं लगता? दोस्तों, ऐसे कर्म आपको नहीं करना चाहिए। माना जाता है हमारे शास्त्रों में, जो अच्छा होता है, सदगृहस्थ होता है, वो अपने पड़ोस की स्त्री के रूप में अपनी माता की छाया देखता है। वीर होता है वो पुरुष जो पराई स्त्री पर पाप की दृष्टि नहीं देखता, उसे अपनी माता, बहन और पुत्री के समान देखता है। और स्वर्ग का अधिकारी होता है वो मनुष्य, वो पुरुष जो स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री समझता हुआ उनके चरणों को प्रणाम करता है। दोस्तों, कभी भी व्यभिचार की ओर मत बढ़िए। जितना लुभा भावना होता है, जितना अट्रैक्टिव होता है, उतना ही ये दुखदायी होता है। अग्नि की तरह दिखने में सुनहरा चमकता है, पर जब ये भस्म करती है अग्नि, तब आपको समझ भी नहीं आता कि आप सर्वनाश के मार्ग पर चल चुके हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी व्यभिचार आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद आती है एक छोटी सी बात, और वो है मनुष्य जब सब कर्मों से ऊंचा हो जाता है तो उसके आगे उसकी बर्बादी का एक ही कारण होता है। जैसे आप सभी जानते होंगे, हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। लोग आगे बढ़ते बढ़ते इस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि वहां जाकर के उनके अंदर अहंकार घर कर जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य अहंकारी होता है वो इस भाव को ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं सकता। अहंकारी मनुष्य खुद को चाहे कितना भी इनोसेंट और सज्जन पुरुष दिखाने की चेष्टा करे, लेकिन उसका अहंकार कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अहंकार के कारण मनुष्य पाप का भागी बन जाता है, पाप करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, पर वो थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। अहंकारी व्यक्ति को भी पापी की श्रेणी में ही रखा जाता है। आपको भी पता होगा, रावण था, दुर्योधन था, रावण स्पेशली इतना इंटेलिजेंट होने के बाद उसको उसके अहंकार और कुकर्म ने मार डाला था। दोस्तों, रावण के अहंकार के चलते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, और ज्ञानवान रावण ने इसके चलते अपने पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया था। इसी तरह कंस ने अहंकार के चलते अपनी बहन को बंदी बना लिया था। उसने अपनी मृत्यु को टालने की कितनी चेष्टा की, लेकिन भगवान ने उसके द्वारा भेजे गए दुष्टों का खात्मा करके उसे भी सदगति प्रदान करी। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन काल में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसके परिवार, उसकी खुद की उन्नति हो, उसको आत्मसंतुष्टि मिले। और दोस्तों, इस तरह के पाप करने से बिल्कुल बचना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं चोरी करते हैं। जो मनुष्य दूसरों की चीज़ें हड़पने की चेष्टा करता है, जो मनुष्य दूसरों की चीज़ें छुपा करके, चुपचाप ले करके छुपाने की चेष्टा करता है, वो महापापी होता है। किसी और की वस्तु को, किसी और की चीज़ को छल से पाने की चेष्टा करना या चुराने की चेष्टा करना, मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चोरी की गई वस्तु कभी भी लाभ नहीं देती, बल्कि आप देखेंगे भी आपने अगर जाने अनजाने किसी चीज को आपने उठा लिया होगा किसी से, या आप किसी लैंड को ही सही, किसी प्रॉपर्टी को ही सही, अगर आपने किसी से छल से आपने उसे ले लिया होगा, तो आप देखेंगे दोस्तों, वो आपको कभी भी फल नहीं प्रदान करती है, उल्टा आपके पुण्य कर्म को नष्ट करके आपकी मुसीबत का, आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। चोरी करने पर उस आपके साथ साथ आपके जो मित्र होते हैं, आपके परिवार होते हैं, आपके जो बच्चे हैं, फैमिली हैं, उन सभी पर असर करता है। उनको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम कई बार पूछते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, पर दोस्तों, हमें ध्यान देना चाहिए, कभी जाने अनजाने हमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की चीज़ को चोरी कर लिया है। दोस्तों, चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसा काम में साथ देने वाले मनुष्य को तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं, और मनुष्य को कभी भी ये महापाप नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे शास्त्रों में जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, उसे दोस्तों बहुत गलत माना जाता है। नारद पुराण में जो शराब होती है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई, पेष्टी यानी चावल आदि आटे से बनाई गई, और माधवी फूल अंगूर आदि के रसों से बनाई गई। स्त्री हो या पुरुष हो सभी को इन तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आजकल तो गर्ल्स भी आगे आ गई है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है गर्ल्स भी ड्रिंक करने लगी है। दोस्तों गर्ल्स और बॉयज़ की डिफरेंस नहीं, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा कैसा भी हो वो आपको बर्बाद ही करता है। किसी भी प्रकार की ड्रिंक करने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते, हमेशा उसे परेशानियों से घिरा रहना पड़ता है। चाहे आप आज मौज से हो, चाहे आज आपको बहुत मजा आता हो, पार्टीज करते हो, रात रात भर आप नाचते गाते ड्रिंक करके जो भी करना है वो करते हो, पर दोस्तों जब इसका बुरा असर किसी दिन आप किसी गलत जाल में फंस जाएंगे तब आपको अफसोस होगा कि आपने क्या गलत काम किया था। ड्रिंक करने वाले इंसान ड्रिंक को, जो किसी और को ड्रिंक कराते हैं, ऐसे मनुष्य को विलेपक नामक के नरक में कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को भूल करके भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हत्या करने वाले को माना गया है भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, किसी भी मनुष्य को मारना ब्रह्म को मारने के समान है। दोस्तों मनुष्य पूजनीय होता है, मनुष्य को जीवन भर आपको यातना नहीं देनी चाहिए, चाहे वो मानसिक हत्या हो या फिर शरीर की हत्या हो। किसी भी रूप से आप अगर किसी इंसान को टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए हत्या समान होता है। आजकल तो दोस्तों इमोशनल अब्यूज बहुत बहुत समाज में बताया जा रहा है, किसी भी इंसान को जीते जी इस हद तक पहुँचा देना कि वो अंदर से जीवित ना रहे, उसे कोस कोस कर इस हद तक पहुँचा देना कि वो जीते जी अपने आप को मृत समान समझने लगे। दोस्तों ये ऐसा पाप है जिसकी सजा मिलती है आपको शास्त्रों के अनुसार। किसी की भी हत्या करना, चाहे इमोशनल हत्या हो या शरीर से हत्या हो, ये अक्षम्य पाप माना गया है। अक्षम्य यानी जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सके। हत्या कभी भी छिप नहीं सकती, हमारे सामने इस संबंध में अक्सर उदाहरण आते रहते हैं दोस्तों, जहां ये बात साबित हो जाती है कि चाहे कितनी भी स्मार्टली कितनी भी तरीके से कोई भी हत्या को अंजाम दिया गया हो, हत्या आज नहीं तो कल वो योजना सामने आ ही जाती है। और हत्या के दोषी को आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में, अगर इस पृथ्वी पे न्याय नहीं मिलता तो भगवान उसे एक्सीडेंट्स के रूप में, उसके घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे करके उसे सजा जरूर देते हैं। इसलिए कभी भी हत्या, पहली बातें करना नहीं चाहिए, और अगर आपने गलती से या जाने अनजाने ऐसी कोई भूल की है तो अपने आप को, आपको समाज के सामने हमेशा बता देना चाहिए कि क्या गलती आपने की है। दोस्तों इसके छिपाने की सभी कोशिशें हमेशा असफल ही मानी गई है। आज मैंने आपको बताए हैं दोस्तों छोटी छोटी बातें जिनको करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस तरह के गलत काम करके अपने जीवन से अपने आप को बचा के रखें। ध्यान दें, कहीं जाने अनजाने आप ऐसे कर्म तो नहीं करते इनमें से कोई भी तरीके के, जो कि फिर आपको आपके जीवन में मुसीबतों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारी जीवन अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को आपको गांठ मार के रख लेना चाहिए। और अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और दूसरी ओर आप गलत संबंध बनाते हैं, गलत लोगों से मेल जोल रखते हैं, तो दोस्तों आप ये भी समझ ले भगवान ऐसी पूजा का आपको कोई फल नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों पूजा करें ना करें, हमेशा ये ध्यान रखें अपने कर्मों को अच्छा रखें, सात्विकता से जीवन को जिएं, यही आपकी सच्ची जीत है। यही आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस भर देगा, कोई गिल्ट आपके अंदर कभी रहेगा ही नहीं। और जब गिल्ट नहीं होता इंसान के अंदर किसी चीज को लेकर के, तो वो इंसान बेधड़क जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों इसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरा ये ब्रजनारी परिवार दोस्तों हमेशा आगे बढ़ते रहे, यही इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे दोस्तों, माता रानी को मनाते रहे, हनुमान जी की आराधना करते रहे, सूर्य देवता को रोज सुबह जल जरूर अर्पण करें। दोस्तों सूर्य वर्ष है और इस वर्ष आप जितनी सूर्य देवता की आराधना करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।